महाशिवरात्रि को लेकर गिरिडीह के विभिन्न मंदिरों व शिवालयों में तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी कड़ी में जमुआ थाना एवं हिरोडी थाना अंतर्गत सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा झारखंड धाम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि की तैयारी की जा रही है। सोमवार को नहाय खाय के दिन मंदिर प्रांगण में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं अगले सुबह से ही शिवलिंग में जलाभिषेक हेतु भक्तों का आना प्रारंभ हो गया था। मौके पर मंदिर के पुजारियों द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड धाम अति प्राचीन मंदिर है। यहां भगवान शिव स्वतः उत्पन्न हुए हैं। यहां इनकी स्थापना किन्हीं के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं मंदिर को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बताया गया कि वैसे तो कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ भी हैं, लेकिन भक्तों का ऐसा मानना है कि भक्त जिस भी कामना को बाबा वैद्यनाथ से चाहेंगे वो कामना भक्तों को यहाँ से भी पूर्ण हो जाती है। वहीं महाशिवरात्रि में विशेष महत्व श्रृंगार पूजा की होती है और श्रृंगार पूजा प्रतिदिन संध्या को की जाती है। यहाँ महाशिवरात्रि में श्रद्धालुओं के द्वारा जागरण का भी आयोजन किया जाता है। वहीं बताया गया कि मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष हजारों जोड़ों की शादियां भी होती है। यहां केवल गिरिडीह ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही यह मंदिर की देखरेख मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें शिव पार्वती एवं अनेकों झांकी के साथ हजारों की संख्या में भक्त नाचते गाते बारात में शामिल होते हैं और विधिवत पूजा की जाती है। पूजा के बाद भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ बाबा झारखंड धाम यहाँ प्राचीनतम से परंपरा की एक रही है, जो शिवरात्रि व्रत के अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालुजन एक झारखंड नहीं, बिहार नहीं, अन्य पूरे देश के लोग कोने कोने से यहाँ आते हैं और यह पर्यटन स्थल में बाबा झारखंड धाम की एक अहम भूमिका है कि यह मंदिर इतने प्राचीनतम माना जा रहा है कि हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि झारखंडीनाथ स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं, इनको कहीं से कोई लाकर स्थापना नहीं किया है, ये स्वयं अपने से प्रकट हुए स्वयंभू हैं और इनका नाम द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत नहीं अन्य में आते हैं, लेकिन बाबा वैद्यनाथ जो कामना ज्योतिर्लिंग हैं उनके बड़े भाई माने जाते हैं। रावण जब यहाँ से वैद्यनाथ धाम ले जा रहे थे रावणेश्वर भगवान को कामना ज्योतिर्लिंग को, तो इधर से ही रावण भगवान को लेकर के जा रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि मैं तो कामना ज्योतिर्लिंग हूँ, परंतु हमारे स्वयंभू भगवान झारखंडीनाथ स्वयंभू हैं और इनसे जो हमारी जो हमसे कामनाएं पूरी होगी वो हमारे ये बड़े भाई पूर्ण करेंगे। और यहाँ की प्राचीनतम महिमा बहुत बड़ी है, जो शास्त्रों में पुराणों में वेदों में और शिव महापुराण में यह भगवान भोलेनाथ की प्राचीनतम अद्भुत कथा है। यह झारखंड नाथ की कृपा, सारे लोग देश विदेश के पर्यटन स्थल में लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करने आते हैं, धारणार्थी धारणा वाले अपने आस्था लेकर रहते हैं और सारे लोगों की कामना पूरी होती है और अपनी कामना को लेकर के यहाँ से स्वेच्छा पूर्वक जाते हैं। आज ही कलयुग में यह प्रमाण है भगवान भोलेनाथ के सामने कि सारे लोग आते हैं और जिस कामना से आते हैं उनकी कामना अवश्य पूरी होती है।
झारखंड बाबा की जय। छठवीं मंदिर पुजारी नरेश पंडा, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष। झारखंड धाम एक महान धार्मिक तीर्थस्थल है जो शिवरात्रि मेला में लोगों भक्तगण अपना जलाभिषेक करने मंगत मांगने आते हैं। उनकी कामना को बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में अर्जुन को पशुपात्र प्राता रूप में भगवान शिव ने यहीं पर दिए थे। पांचों पांडव उधर से गुजरे थे। 200 वर्ष के पहले से पुराना शिव जी है। एक साथ दो शिवलिंग पूरे भारत में नहीं है। झारखंडी बाबा का कृपा है कि यहाँ पर विशेष सिंगारी पूजा का महत्व है। जो भी मंगल मांगते पूर्ण होता है, अनुष्ठान धरना भी लोग देते हैं। यहाँ पर प्रशासन अनुमंडल भोले महुआ के नेतृत्व धीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा यहाँ पर मंदिर की विकास किया जा रहा है। स्थापना कब हुआ मंदिर का? स्थापना मंदिर का बहुत पुराना है। पूर्वज मेरे दादा स्वर्गीय मोहन पंडा जी का भी जन्म नहीं हुआ था उस समय। बहुत पुराना, 500 वर्ष पुराना है। बोलिए बाबा झारखंड नाथ की।